हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, यानी कि घर बैठे आप कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं आज की पूरी वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से कैसे फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं। यही आज का मेरा वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप कंप्यूटर से घर बैठे कैसे आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले गूगल ब्राउजर को ओपन कीजिएगा और मेन स्क्रीन पर आ जाइएगा। देखिए, यहाँ पर गूगल पर टाइप कीजिएगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको कंप्यूटर का स्क्रीन हो या लैपटॉप का स्क्रीन हो या मोबाइल का स्क्रीन हो, आप लोग ध्यान दीजिए, बस गूगल को ओपन कर लेनी है। गूगल पर टाइप करना है onlinesubmit.com, जो पहला वाला वेबसाइट शो करेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे वैसे दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आ गया है, onlinesubmit.com। ये आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वेबसाइट ओपन हो गया है। जो भी न्यू अपडेट आती है दोस्तों यहाँ पर शो करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है इस पे शो करता है, एडमिट कार्ड जो भी आता है इस पे शो करता है, जो भी आपका लेटेस्ट जॉब जैसे कि कोई भी फॉर्म आता है तो यहाँ पर सबसे पहले शो करता है। नीचे रहते हैं ऑल ऑनलाइन फॉर्म, जो भी फॉर्म हो इम्पोर्टेंट में यहाँ पर आता है, एंसर की जितना आता है, मान लीजिए रिजल्ट वगैरह। उसके बाद लेटेस्ट न्यू अपडेट, हर एक न्यू अपडेट यहाँ से मिलेगा। कोई भी अगर एडमिशन चालू होगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा। बिहार के लिए स्पेशली यहाँ पर कैटेगरी बनाया गया है। बिहार में जितने भी फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म हो, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, सारा चीज इसमें आता है दोस्तों, ये बात ध्यान देनी है। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको हर एक तरह की न्यू अपडेट सबसे पहले मिलती है। जैसे कि खतियान प्रिंट करना, EWS अप्लाई करना, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करना, OBC सर्टिफिकेट बनाना, EWS सर्टिफिकेट बनाना, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलना, यूनियन बैंक में खाता खोलना, SBI अकाउंट इसमें खोलना, तो इस तरह की दोस्तों आप लोगों को क्या करनी है, पूरी तरीके से आप लोग भर सकते हैं। मेरा दोस्तों यहाँ पर टॉपिक क्या था, ऑनलाइन फॉर्म यानी कि कंप्यूटर से कैसे फॉर्म भरेंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ गया हूँ। कोई भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि ज्वाइन इंडियन नेवी का, नेवी एचक्यू ट्रेड्समैन का, बिहार आर्मी रैली, बिहार ANM, या दोस्तों यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, यूनियन बैंक में भरना हो, स्टेट बैंक में भरना हो, तो दोस्तों कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में मुझे खाता खोलनी हो या बिहार ANM में हमको वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना, तो मैं यहाँ पर कौन सा आपको बताऊँ ये बता दीजिए। कोई फॉर्म भर कर बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बिहार ANM वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है, या दोस्तों बिहार आर्मी रैली, मुजफ्फर गया, दानापुर, कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बिहार आर्मी रैली मुजफ्फरपुर गया पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो फॉर्म आया है रैली का, इस फॉर्म पे मैं डायरेक्टली यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट देखनी है कि ये कब से शुरू हुआ है, कब इसका लास्ट डेट है। तो 5/4/2022 से शुरू हुआ है, लास्ट डेट है इतना। और यहाँ पर पेमेंट देखना है दोस्तों, ध्यान देने हैं फॉर्म भरने के लिए कि जनरल के लिए कितने पैसे देने होंगे, OBC के लिए कितने पैसे देने होंगे, EWS है तो कितने पैसे देने होंगे, SC ST है तो कितने पैसे देंगे, और किस कार्ड से पेमेंट करना है वो भी यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर देखने के बाद आ जाएंगे नीचे में डायरेक्टली। अब देखिए, यहाँ पर रैली वाइज डेट शेड्यूल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन इतने से इतने होगा, रैली कब से होगा, रैली का डेट भी जारी कर दिया गया है। अब इसमें दोस्तों नीचे आ जाते हैं डायरेक्टली, रियल मोस्ट यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक्स में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, एक रजिस्ट्रेशन है और एक लॉगिन। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ऑनलाइन फॉर्म कंप्यूटर से कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मेन महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना है कि कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद ही लॉगिन को क्लिक करके आपको पूरी तरीके से फॉर्म को भरना होता है। कहने का मतलब, जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन चालू होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका क्या होता है, पूरी तरीके से फॉर्म भरा जाता है, तब आप परीक्षा देकर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। वही मेन महत्वपूर्ण है कि कोई भी फॉर्म भरिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉग इन करके फॉर्म को भरते हैं।
जैसे कि आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, साइन अप करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉग इन आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, लॉग इन बार बार करके अपना फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी चीज अपना चलाते रहते हैं लॉग इन करके। दोस्तों ये बात ध्यान है। तो उसी तरीका से ये भी कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉग इन करके फॉर्म को भरा जाता है। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लिया हूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर कुछ कैप्चर दे रहा है, तो इस कैप्चर को मैं क्या करता हूँ, फिलअप कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर वेबसाइट कर दिया। अब देखिए ब्रेवो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया, इसको यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंटिन्यू बोला जा रहा है, ब्रेवो यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से देखिए पंजीकरण है। पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप करके सबमिट कीजिएगा तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड बन जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है, लॉग इन पर क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल पर यहाँ पर आ गया होगा। यूजर नेम यानी कि आपका ईमेल आईडी डाल देनी है, जो पासवर्ड आपने बनाया है वहां पर फॉर्म भरते समय या जो मोबाइल पर मैसेज आया है उस यहाँ पर डाल दीजिएगा। कैप्चर कोड को फिलअप करके लॉग इन करके पूरी तरीके से जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से भरना है। जैसे कि आपको यहाँ पर पहले वाले वेबसाइट पर मैं चला आता हूँ onlinesubmit.com, जैसे कि मैं होम बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे को पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक में खाता खोलना है, मान लेते हैं दोस्तों यूनियन बैंक में खाता खोलना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, डायरेक्टली मैं चला जाता हूँ नीचे, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्लिक हियर का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है दोस्तों, क्लिक हियर, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्लोज कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ये भी ध्यान दीजिए। ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन में ही फॉर्म है, एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इस पर एक आपको चला जाकर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ तक मैं डिलीट कर दिया, यूनियन बैंक का जो मेन वेबसाइट है, देखिए मैं गूगल पर टाइप करके आता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्लिक कर दिया। जो पहला वाला वेबसाइट है इस पर हम क्लिक कर दिया। यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हुआ, खुलकर आ गया। अब देखिए ऑनलाइन बैंकिंग, यूनियन बैंक मोबाइल बैंकिंग, यूनियन बैंक बैंकिंग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मतलब अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक योर आधार नंबर, यहाँ पर हर एक चीज का, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग अपना देख सकते हैं, और अपना यहाँ से ही अपना क्लिक करके पूरी तरीके से फॉर्म को भरा जाता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे किस में यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बैंकिंग पे, ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे नहीं आ रहा है, लॉकेट पे देख लेंगे, कार्ड पे देख लेंगे, रिसेट पे देख लेंगे। तो मुझे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देनी है, मैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर दिया हूँ। और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, अप्लाई लोन, तो अप्लाई अकाउंट ओपनिंग पे मुझे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपन के लिए आ गया ऑप्शन, न्यू सेविंग अकाउंट पर हम क्लिक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। हूबहू उसी के वजह वैसा के जैसा खुल गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट का डिटेल्स मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, नॉमिनी मांग रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पूरी तरीके से फॉर्म को सबमिट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रैक करने का ऑप्शन आ रहा है, रेफरेंसी नंबर, जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है रेफरेंसी नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इसमें केवल जो बैंक में फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें एक ही ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरी तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन में ही सारा प्रोसेस दिया है इसमें। प्रोसेस के बाद रेजिस्ट्रेंसी आईडी जनरेट होगा, जिस तरीके से मैं बोला था आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, वही आईडी पासवर्ड सबमिट कर देंगे, यहां से चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। तो वो आईडी पासवर्ड बैंक में क्या होता है, वो पूरी तरीके से जो रेफरेंसी आईडी मिलती है, उस रेफरेंसी आईडी को अपने बैंक में ले जाना होता है, वहां पर जाकर पूरी तरीके से अपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, अटैच किए हैं, वहां पर देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया जाता है और आपका फॉर्म भर के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑनलाइन फॉर्म कंप्यूटर से आप भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भरने के लिए दोस्तों इस वेबसाइट पर जाना ना भूले, onlinesubmit.com, क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से हर एक तरह के न्यू अपडेट का आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।